હેલો એવરીવન, હાઉ આર યુ? કેમ છો બધા? વેલકમ ટુ સીતુસ કિચન. ગાઈસ, આજ મે આપકે સાથ રાજસ્થાની દાલ કી રેસિપી શેર કરને વાલી હું. તો થીક રોટી રાજસ્થાની લોગ ખાતે હે ના, વો આજ હમ ઘર પે બનાયેંગે. થીક રોટી, ઓ મોટી વાલી રોટી ઓર દાલ બહુત અચ્છી લગતી હે. તો આઈએ આજ હમ રાજસ્થાની ડિશ બનાતે હે. ये दाल बनाने के लिए हमको ये छिनके मूंग दाल और छिनके के बिना की मूंग दाल और ये चना दाल और उड़द दाल मैंने थोड़ी सी ली है. अब हम इसको दो पानी से धो के बॉईल कर लेते हैं. ये मैंने दो पानी से धो लिए. अब मैं पानी उबालने के लिए रख दिया था, मैं इसमें डाल देती हूँ. ये प्रेशर कुकर कभी बॉईल करने के लिए मत रखना, इसकी स्वीटनेस होती है ना वो चली जाती है प्रेशर कुकर में. अब हम इसको ढककर रख देते हैं, ये हमारी बॉईल हो जाएगी. तब तक हम रोटी का आटा बना लेते हैं. हम आटे में थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल देते हैं और एक चम्मच जितना ये घी डालेंगे इसमें. अब हम इसको अच्छी तरह से आटे को भून देते हैं. ये सॉफ्ट भी नहीं रखना है और ज़्यादा कड़क भी नहीं रखना, नॉर्मल रखना है. थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, पूरा एक साथ पानी डालो तो ये आटा हमारा कुछ पतला हो जाएगा. देखो ये हमारा आटा हो गया रेडी. देखो कितना ये सॉफ्ट भी नहीं है और हार्ड भी नहीं है. अब हम इसको ढककर आधे घंटे तक रख देते हैं, बाद में इसकी रोटी आप बनाएंगे. ये हमारी दाल रेडी हो गई है, बॉईल हो गई है. देखो सॉफ्ट हो गई है. अब हम इसका मसाला बना लेते हैं. पहले मसाला बनाने के लिए पहले इसका तड़का लगाते हैं. उसमें मैं दो चम्मच जितना ऑयल डालूंगी और एक चम्मच जितना घी ऐड करूंगी. ये घी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है. एक चम्मच घी ऐड करूंगी. अब हम इसमें ये राई जीरा डालेंगे, मस्टर्ड बोलते हैं इसको. और इसमें ये मेथी दाना है वो मैं इसमें डालूंगी और थोड़ी सी अजवाइन है वो मैं ऐसे प्रेस करके. ये अजवाइन से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप इसको जरूर डालिए. और ये कड़ी पत्ता है वो मैं डालती हूँ. अजवाइन और कड़ी पत्ता की खुशबू कितनी अच्छी आई. और ये गार्लिक है, इसमें मैंने ये गार्लिक डाला है और ये अदरक है. और बाद में ये ऑनियन है क्रश की हुई, मैंने दो ऑनियन लिए है वो मैं इसमें डाल देती हूँ. इसमें स्वाद अनुसार निवर डालेंगे. और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, सबको मिक्स कर देते हैं. अब मैं इसमें टमाटर डाल लेती हूँ. मैंने दो टमाटर लिया है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं. ये हम पकने देते हैं. ये हमारा ऑनियन और टमाटर पक गया है. अब हम इसमें ये बॉईल की हुई दाल ऐड कर लेते हैं. ये हमारी दाल टेस्टी भी होगी, स्पाइसी भी होगी और सब दाल में प्रोटीन भी ज़्यादा है, प्रोटीन युक्त भी हम इसको दाल को कह सकते हैं. अब इसको हम रोटी बना लेते हैं. ये आटा हमारा सॉफ्ट हो गया है.
ये हमारी रोटी हमको थोड़ी मोटी ठीक रखनी है। अब ऊपर से ये घी स्प्रेड कर लेते हैं, थोड़ा सा आटा। इसको राउंड राउंड कर लेना है पूरा, वैसे पूरा राउंड राउंड ले लेना है। पूरा ऐसे राउंड बना लेना है, इसको नीचे ऐसे पैक कर देना है। बाद में ये आटे में डालकर फिर से हम रोटी बना लेते हैं। देखो इतनी हमको ये ठीक रखनी है, ये बड़ी रखनी है हमको। अब हम ये तवे में इसको रख देते हैं। और ऐसे बीच बीच में कट कर देना है, इसलिए अंदर से भी पक जाए पूरी तरह से। कट कर देना है, ऊपर से ये अच्छी तरह से घी लगाने के बाद दूसरी ओर करना है। इस तरफ भी हम ऐसे घी स्प्रेड कर लेते हैं। देखो कितनी हमारी सॉफ्ट और अच्छी लग रही है। देखो ये रोटी हमारी रेडी हो गई है। अब हम ऊपर से इसमें घी लगा लेते हैं अच्छी तरह से। ये सॉफ्ट इतनी अच्छी लग रही है। ये हमारा दाल का एक उबाल आ गया है। अब हम इसमें धनिया पत्ता, थोड़ी सी ग्रीन मिर्ची, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। और अब लाल मिर्च ये हम डालेंगे इसमें। उसे गरम मसाला डालेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारी दाल रेडी हो गई है खाने के लिए। तो हम पहले तड़का लगा लेते हैं। मैंने इसमें 2 चम्मच ऑयल लिया है, तेल लिया है और 2 चम्मच घी लिया है। थोड़ा सा गार्लिक डाल दूंगी। बाद में एक तीखा मिर्ची वो मैं डाल दूंगी। और थोड़ा सा ये धनिया पत्ता है। तब तक हम दाल को सर्विंग प्लेट में ले लेते हैं। कितनी अच्छी लग रही है, देखने से ही मुंह में पानी आ जाता है। देखो हम ऊपर से ये हमारा तड़का लगा देते हैं। ये ऊपर से तड़का लगाने के बाद इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखो ये हमारी
राजस्थानी दाल और मोटी सी रोटी और केरले और गुंदा की काचरी, ऑनियन और दही के साथ कितनी अच्छी लग रही है। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो घर पे जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी लगी और मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, उसके पास बेल बटन है उसको जरूर टच कीजिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मैं अगली रेसिपी का वीडियो आपसे आपके साथ जल्दी शेयर करने वाली हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए।